हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं लक्ज़मबर्ग सिटी जा रही हूँ। सो कोविड के चक्कर में कुछ है नहीं करने के लिए एंड मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। एंड सेकंड थिंग, मुझे अपने वीज़ा पर्पज़ के लिए जाना था एम्बेसी सिटी में। सो आई एम गोइंग देयर और देखते हैं वहाँ पे माहौल कैसा होगा। क्रिसमस इज अराउंड दी कॉर्नर एंड ऑब्वियसली कोविड के चक्कर में मुझे लग नहीं रहा है क्रिसमस होने वाला है, बिकॉज लॉकडाउन अभी तक शायद नहीं इन्होंने ख़त्म किया है। बट स्टिल डेकोरेशंस होंगी एंड वहाँ का क्या माहौल होगा, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू सी एक्चुअली। सो मैं यहाँ से बस में जाऊँगी एंड लक्ज़मबर्ग में 1 मार्च ऑनवर्ड्स 2020 में ही सारे ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए थे एंड वी वर सो हैप्पी कि अब हम यू नो फ्री में ट्रैवल करेंगे। बट कोविड भी उसी टाइम स्टार्ट हो गया था एंड हम बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाए अक्रॉस लक्ज़मबर्ग। सो या कुछ कर नहीं सकते उसमें, बट स्टिल एंड यहाँ पे ठंड हो गई है, काफ़ी ठंड हो गई है एक्चुअली। पिछले वीक तो पूरे वीक बर्फ़ बोला था, बट ऑब्वियसली बर्फ़ नहीं क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है शायद आई एम कर्स्ड कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ बर्फ़ होनी भी होती तो नहीं होती है, एंड जैसे मैं वहाँ से निकल जाती हूँ तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज बाय बाय, आई विल शो यू। सो गाइस, जैसे आप वो देख रहे हैं जो रोड एंड है वो फ्रांस है एंड आई डिडेंट नो कि ये 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा। एक्चुअली मुझे पता था कि हम फ्रांस बॉर्डर में रहते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे घर से विद इन 1 किलोमीटर होगी। एंड यहाँ के बॉर्डर इंडिया जैसे नहीं होते हैं, यहाँ के बॉर्डर में जस्ट साइड में लिखा रहेगा यू नो फ्रांस या द नेम ऑफ द कंट्री एंड नो सिक्योरिटी, नथिंग एट ऑल, एंड जस्ट आप उस कंट्री में एंटर कर जाओगे नॉर्मली। वेरी कूल। हाँ, सो दोज़ हु डोंट नो अबाउट लक्ज़मबर्ग, लक्ज़मबर्ग इज़ अ स्मॉल कंट्री जो 3 कंट्री के बीच में है, दैट इज़ फ्रांस, बेल्जियम एंड जर्मनी। कंट्री वैसे डेवलप्ड है बट स्टिल यहाँ पे अभी भी मैं देख रही हूँ कि अभी भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राम एंड मैनी कंस्ट्रक्शन आर गोइंग ऑन। सो स्टिल इट इज़ यू नो डेवलपिंग, दो इट्स अ डेवलप्ड कंट्री बट स्टिल इट इज गेटिंग मोर डेवलप्ड। दिस इज़ अ पब्लिक पार्क एंड मैं हमेशा दूर से देखती थी जब हमें आते थे, बट मैंने सोचा आज एक्सप्लोर कर लें। अलाउड है, बोलेंगे बच्चों का एरिया। Thank you.
कौन सीपी ऑफ लग्जमबर्ग, ऐसा नाम हमने दिया है, वैसे रियल नाम नहीं है इसका ये। सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहीं पर ही हैं, लाइक आर सीपी। क्यूट डॉगी, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, सो फेस्टिव मूड तो है यहाँ पे सबका, बट कितना फेस्टिवल मनता है उसकी कोई आइडिया नहीं है। रात नहीं है बट रात में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। आई विल डेफिनेटली कम एट नाइट, रात में ज़्यादा अच्छे व्यू हैं। तो दिस इज़ द हैमिलियस ट्राम स्टेशन एंड लग्जमबर्ग में न्यू ट्राम स्टेशन बन रहे हैं एंड होपफुली 2023 तक वो हमारे घर एश में भी आ जाएगी। लग्जमबर्ग सिटी जिसका मेन मार्केट है, यहाँ पर भी चहल पहल बहुत है, अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन है, माहौल पूरा फेस्टिव है, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे फेस्टिवल टाइम कितना सेलिब्रेट होगा, क्रिसमस वाले दिन क्या होगा, बट स्टिल डेकोरेशन है, फेस्टिव मूड है सबका, अच्छा लग रहा है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर माय टुडेज वीडियो एंड आई एम गोइंग बैक नाउ। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे रात में आना चाहिए, बिकॉज़ रात को यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी एंड आई विल डेफिनेटली कम एट नाइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोज, डू कमेंट ऑन दैट। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज, टेक केयर, बाय।